हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीएस बाई मोमोस आई टू एम पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको समय आने वाले समय लेटेस्ट जॉब के बारे में फुल अपडेट मिलती रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। वैकेंसी हाई कोर्ट ऑफ जो पटना की स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। नेक्स्ट कब आई है? 8 मार्च को वैकेंसी आई है। उसकी लास्ट डेट एग्ज़ाम, इसकी लास्ट डेट है 31 मार्च 2022, और ये 8 मार्च 2022 को पब्लिश हुई है। और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन अभी तक कोई डिफाइंड नहीं है पटना स्टेनोग्राफर की कोर्ट की। नेक्स्ट बात करते हैं, ये ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है, लेवल नंबर 4 की है। इस पेमेंट है 25,500 से 81,100 तक, बहुत खासा पेमेंट है। 7th पे मैट्रिक्स के अनुसार है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में। अनरिजर्व कैटेगरी में 55 और ओरिजेंटल वुमेन के अंदर है 18। शेड्यूल कास्ट एससी के अंदर 21, एसटी के अंदर 22 और ईबीसी 23, ओबीसी बीसी 15 और ईडब्ल्यूएस 13, 129 और 44। नेक्स्ट बात करते हैं, 5 पोस्ट ओरिजिनली रिजर्व फॉर ओएच उनके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हाईकोर्ट की पटना की वेबसाइट पर आप ऑनलाइन कर सकते हो 8 तारीख से 29 मार्च 2022 तक। नेक्स्ट बात करते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप इंडियन होने चाहिए या फिर आप तिब्बत के 1 जनवरी 1972 पहले के आने चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया का कोई भी किसी भी स्टेट का इसमें अप्लाई कर सकता है फॉर्म स्टेनोग्राफर पटना के अंदर। एज लिमिट के बारे में बात करते हैं, एज लिमिट है आपकी 18, 1 जनवरी 2022 तक आपकी 18 साल होनी चाहिए, और 2004 से पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस के अंदर है 37 साल मैक्सिमम, और अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस फीमेल के अंदर है 40 साल, बीसी ईबीसी 40, एससी एसटी 42, अदर्स के लिए 47 साल। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपको 12th पास होनी चाहिए और सर्टिफिकेट इंग्लिश शॉर्ट लिस्ट एंड इंग्लिश टाइपिंग फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, एंड किसी भी इंस्टीट्यूट सब इंग्लिश के अंदर टाइपिंग का होना चाहिए और डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। लास्ट 6 मंथ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर कोर्स से मैंने आपको कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। इंग्लिश के अंदर मिनिमम 80 वर्ड पर मिनट टाइपिंग क्या होना चाहिए, वही शॉर्ट हैंड के, और 40 वर्ड है इंग्लिश टाइपिंग में। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, हु हैज सर्व द टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, या फिर हु हैज ऑब्टेंड बी सर्टिफिकेट ऑफ द नेशनल कैडेट एनसीसी का होना चाहिए। रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन के बारे में दे रखा है कितना है, एससी को रिजर्वेशन मिलेगा कितना मिलेगा, 16% और एसटी को मिलेगा 1%, ईबीसी को मिलेगा 18%, बीसी को मिला 10% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है। वुमेन कैंडिडेट को 35%, ओएच को है 4% आरक्षण। सिलेक्शन प्रोसेस है रिटर्न सिलेक्शन, रिटर्न टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, इंग्लिश शॉर्टलिस्ट कंप्यूटर टाइपिंग विथ 80 वर्ड पर मिनट फॉर 320 वर्ड्स ओनली, और 80 वर्ड पर मिनट फॉर 4 मिनट्स एंड 15 मिनट्स फॉर द ट्रांसक्रिप्शन अलॉन्ग विथ 7 मिनट फॉर रिजर्वेशन शॉर्ट हैंड, और 40 वर्ड पर टाइपिंग होना चाहिए इंग्लिश में। और अगला इंटरव्यू का था नॉर्मल इंटरव्यू होगा, ज़्यादा इंटरव्यू में ज़्यादा है नहीं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा, 40% ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट का लाने वाले मिनिमम, और 85% एक्यूरेसी इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग, 85% होना अनिवार्य आनी चाहिए एक्यूरेसी, और 90% एक्यूरेसी आनी चाहिए इसकी इंग्लिश टाइपिंग में, और 30% इंटरव्यू के जुड़ेंगे नंबर। नेक्स्ट सिलेबस एंड स्कीम फॉर एग्जामिनेशन, सिलेबस क्या है इसका, सिलेबस है इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, जिसके अंदर ग्रामर का पोर्शन है 30 नंबर का, बेसिक कंप्यूटर साइंस नॉर्मल बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 20 नंबर का ये है। द क्वेश्चन पेपर रिटन टेस्ट इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, पेपर ओनली फॉर इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, अदर लैंग्वेज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं उसमें एग्ज़ाम फीस, अनरिजर्व्ड बी सी ई बी सी ई डब्ल्यू एस के लिए 1,000 रुपये, एस सी एस टी ओ एच के लिए 500 रुपये फीस है, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, एक बार ही करना है, नो रिफंडेबल। सेंट्रल एग्जाम में कहेगा कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट नेम ऑफ सिटी इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म,
which tech it desired to take the examination. Detail about cities which examination center to be allocated is follow: Patna, Muzaffarpur or Purnia. थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करें।